क्या है आपने? आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला के बैनर तले, जिसमें अजमेर शहर और किशनगढ़ भी हमारे शहर में शामिल होता है, इसके बैनर तले हमने आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन से पूर्व हमने 2 घंटे का एक सांकेतिक धरना दिया, जिसमें हमारे विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन किया। उसमें निचोड़ के रूप में ज्ञापन में यह जन आक्रोश आंदोलन के रूप में हमें प्रदेश द्वारा एक निर्देश दिया गया था। उसमें राज्य में जब से 3 साल से ऊपर हमारे गहलोत की सरकार हो गई राज्य में, और वो अपने सरकार को बचाने में पूरी तरह लगे रहे, जन समस्याओं को लेकर के कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। वर्षा पूर्व कम से कम पानी की समस्या तो समाप्त होनी चाहिए थी, पता था कि बीसलपुर में इस बार पानी का लेवल कम है, फिर भी ध्यान नहीं देकर के पूरी पानी की जो सप्लाई है वो जयपुर की तरफ मोड़ दी गई। अजमेर शहर का कोई ध्यान नहीं दिया। पूरे अजमेर शहर में कहीं पर 48 आवर की सप्लाई होती है, कहीं 96 घंटे की होती है, कहीं 72 घंटे की होती है। एक जो यूनिफॉर्म सिस्टम बनना चाहिए वो बिल्कुल भी पूरे शहर में नहीं है। किसी को पता नहीं लगता कि पानी कब आएगा या कब नहीं आएगा। तो एक हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और उसमें हमने रिक्वेस्ट करी है कि आप जलदाय विभाग के अधिकारियों को और साथ में जनप्रतिनिधियों को बैठा करके एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनवाइए डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि बार बार कहा जाता है जलदाय विभाग द्वारा कि पानी तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है? अगर पानी भरपूर मात्रा में है तो फिर निश्चित अंतराल पर सप्लाई भी पूरे शहर में होनी चाहिए। तो मुख्य मुद्दा हमारा पानी का था, साथ ही साथ जो आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है, चेन स्नेचिंग हो रही है, बच्चियों पर जो बलात्कार की और घटनाएं हो रही है, इन सभी को लेकर के हमने एक संकलित रूप से ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब से मांग करिए कि हमारी ये सारी मांगे राज्य सरकार को पहुँचाए। इसी क्लब को लेकर विरोधी सरकार के खिलाफ जनहित के फैसलों को रोकने के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला ने जन आक्रोश रैली के अंतर्गत यहाँ ज्ञापन दिया, धरना दिया। जिस प्रकार से सरकार, किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार और महिलाओं पे अत्याचार में अव्वल नंबर सरकार, महंगाई या सबसे महंगे डीजल पेट्रोल के लिए जाने जाने वाली सरकार, सबसे महंगी बिजली के लिए जाने जाने वाली सरकार, राजस्थान के में अजमेर की जो हालत है, ध्यान में आता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो अव्याप्त अनियमितताएं हैं उन पर कोई कार्रवाई ये प्रशासन नहीं कर रहा है। जो पानी की व्यवस्था, जो स्थिति है अजमेर की जल व्यवस्था आपूर्ति को लेकर के भी हमने आज इस ज्ञापन में हमने मांग रखी कि 96 घंटे से ज्यादा यहाँ पर होने के बाद भी आम जनता को पानी नहीं मिल रहा है। महंगी बिजली और बिजली की ट्रिपिंग हो रही है, जगह जगह सड़क में सीवरेज के खड्डे खुदे पड़े हैं, उसको जल्दी से जल्द काम का पूरा नहीं किया जा रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के और राजस्थान में व्याप्त महिला अत्याचार की बात को लेकर के कि आज 18 महिलाओं से, चाहे वो 60 साल की हो चाहे 6 महीने की अवध बालिका, उनके साथ बलात्कार हो रहा है और कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। सरकार केवल मात्र अशोक गहलोत जी अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है और किस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव जीते उसकी भाड़ेबंदी में व्यस्त है। इसलिए 3 साल में ये सरकार 1.5 साल भाड़ेबंदी में चलती रही है। मुझे लगता है अंतिम जो 1 साल बचा है, इस 1 साल में ये जनता के हितों के काम को करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पीठ से ईंट बजाएगी और इस सरकार को निश्चित रूप से जाना तो तय ही, लेकिन जनता के हित में हम काम करने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे।